तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी हैं। टीएमसी भी इस विपक्षी एकता की जो बैठक कल होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से एक शर्त कांग्रेस के सामने रखी गई कि अगर लेफ्ट का साथ छोड़ेंगे, लेफ्ट का हाथ छोड़ेंगे, तभी वो कांग्रेस का साथ देंगे। सुन लेते हैं क्या बोल। जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ कि अब बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं। और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ, लालू जी का शौक, थोड़ा सा दूर हम मीट करके बहुत खुश हुआ है इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है। और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी का खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मिल गया। दीदी आपका बहुत बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू जी का। ऑलवेज जी, ऑलवेज आपका पता है जी, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं भी, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, पीछे पीछे था, लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव, राबड़ी जी का भाव क्या है, बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा ऐसा बहुत कल की बैठक में क्या होने की उम्मीद है? अभी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ, कांग्रेस कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।